कोरोना समेत अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के भ्रामक दावों वाले पतंजलि के हरेबी विज्ञापनों पर बाबा रामदेव की मुश्किल बढ़ गई है। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बाल कृष्ण सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हाथ बांध कर खड़े रहे और गिड़गिड़ाते हुए दर्जनों बार माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कहा, आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी आप अपनी दवाओं के भ्रामक विज्ञापन चलाते क्यों रहे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोविड का वक्त सबसे ज्यादा कठिन था, उस समय पतंजलि ने इलाज का झूठा दावा कर फर्जी दवा बेचकर देश से मुनाफा कमाया, इस पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों कोरोना के इलाज के तौर पर पतंजलि की अवैध दवा सरकार ने देश में बिकने दी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के इलाज वाली कोरोनिल दवा को बिकवाने का काम मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। मंच पर कोरोनिल का प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हर्षवर्धन सिंह को भी बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल का प्रचार करते हुए देखा गया था। कोर्ट ने आगे कहा, केंद्र ने कानून के हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं की, हम हैरान हैं कि केंद्र ने फर्जी दवा को बिकते हुए आंखें क्यों मूंद ली। इस पर पूरी सुनवाई के बीच बाबा रामदेव और बालकृष्ण हाथ बांधे खड़े रहे। खैर, सोशल मीडिया पर अब उनके माफीनामे की चर्चा जोरों पर है। पत्रकार अभिनव पांडे ने कहा, एक वक्त था जब बड़े बड़े मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डॉक्टरों की बातों का टीवी पर आकर माहौल उड़ा रहे थे। वक्त बदला तो वही बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में हाथ बांधे खड़े हैं, माफी मांग चुके हैं, दवा का भ्रामक प्रचार किया था, तब सरकारी सारा तंत्र भी इनके साथ था, आज संविधान की ताकत के आगे सब ध्वस्त हो गया है। एक प्रोड्यूसर ने कहा, अपने नेपाली चेले के साथ हाथ बांधे खड़ा रामदेव अब सुप्रीम कोर्ट से माफी की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोर्ट ने माफ नहीं किया क्योंकि ये 2 महीने पहले कह रहा था, मेरी पूछ पाड़ लोगे क्या, मैं तो बेचूंगा अपना माल। हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, गलती हुई है, जैसी सारी दलीलें धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी माफी काफी नहीं है, माफी मांगना था तो पहले आते। कोर्ट ने ये पूछा कि झूठ कैसे बोला, गलत साक्ष्य क्यों दिया। केंद्र और राज्य सरकार को भी तगड़ी फटकार लगी है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।